ये लड़की देख सकते हो कितना सुकून से जो है गाड़ी पे बैठा है ना, और साथ ही साथ दोस्तों कितना सुकून वाली सुंदरता इसमें है। तो यहाँ पे देखो जो है ये गाड़ी देखकर ऐसा लग रहा है ना कि सीधा वीडियो गेम से इसको उठा के लाया, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल लोगों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको चला सकते हो खरीद के, या फिर दोस्तों इस गाड़ी को देखो, इसका स्टीयरिंग देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो स्पेस में जाने वाले हो। तो यहाँ पे जो है ये गाड़ी भी भौकाल मचा देगा अगर आप इनको सड़कों पर उतारते हो इंडिया पे। तो मैं बताऊंगा दिखाऊंगा डैशन के साथ कुछ भौकाल गाड़ियां। तो पहला गाड़ी देख लीजिए पे दिया गया सब कुछ। दोस्तों ये जो आप गाड़ी देख रहे हो इसका नाम है डार्कर बोल्ट D8 G10 J070। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पावरफुल गाड़ी चलाना है ना सड़क पे, तो ये गाड़ी बेस्ट मैं बोलूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है ऑडी का 2.5 लीटर का जो है 5 सिलेंडर वाला इंजन है, और इसका इंजन जो है 450 हॉर्स पावर का है। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है 100 सेकेंड मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में सिर्फ 2 सेकेंड का टाइम लगता है। मतलब इतना भौकाल लगेगा कि आप जब इसको सड़क पर उतारोगे ना, मतलब लोग बोलेंगे क्या ही भौकाल उतार दिया सड़कों पर। और काफ़ी मतलब ठीक ठाक प्राइस पे है G10, इस पर मतलब टैगिंग के साथ आता है। तो प्राइस जो है दोस्तों इसका बोल सकते हो कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो रीजनेबल प्राइस है इसके मतलब डिज़ाइन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मतलब बेस्ट मैं बोलूँगा। और ये जो है मतलब इसका टॉप स्पीड बोलो दोस्तों, तो ये जो है 250 किलोमीटर तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, टॉप स्पीड इसका 250 किलोमीटर है, तो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। जो मतलब F1 जो फार्मूला 1 के रेसर है ना, वो इसको जो है नॉर्मल सड़क पर जो है यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो भाई सोच के देखो, नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो मतलब किस लेवल की ये मतलब स्पीड पकड़ेगा हाईवेज पे। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दिया, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, कोई ऑर्डर वगैरह करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। तो मतलब तबाही वाली गाड़ी है, मतलब लाइट वेट भी है और प्राइस भी रीजनेबल भी है, और मतलब ठीक ठाक है चलाने में। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोटोटाइप टेस्टिंग किया जा रहा है फॉर्मूला 1 के ट्रैक पे, है ना मज़ेदार। मतलब क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में, लुक्स के बारे में। नेक्स्ट जो कार है फ्यूचरिस्टिक दोस्तों, एक बार देख लीजिए ना क्या कुछ है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है जैगुआर सी टाइप कंटिन्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, जैगुआर इसको सेलिब्रेट कर रहा है। उसका जो रेसिंग कार था ना एक जमाने में, मतलब तबाही वाली भौकाल वाली रेसिंग कार थी, तो उसको ही जो मतलब वैसी लुक के साथ लाया है। बट यहाँ पे देखो कि इसमें जो मतलब इक्विपमेंट जो यूज किया गया अंदर, वो सारा सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, और जैगुआर जो है हमारे टाटा के अंदर आता है, तो आप बोल सकते हो ये जो है इंडियन कंपनी, आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि जो है वही लुक और वही जो है कलर वगैरह लाने की कोशिश किया गया है। एक जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर है उनको टारगेट कर रहा है जैगुआर इस कार के मदद से। मतलब देखो कि वो जो है दिखा रहा है कि हम हिस्ट्री में कुछ इस तरीके से जो इवॉल्व हुए थे, और अभी भी हम जिंदा है और आगे हम कुछ इस तरीके से इवॉल्व होंगे, ये जो है जैगुआर का इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है। और जैगुआर जो है 2025 तक जो है पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा, और ये जो है पूरा टेस्ला का एक मेन कंपटीटर बन के उभरेगा पूरे दुनिया में आप देखोगे। और जैगुआर जो है अभी इस पर पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है, और इसको जो है टाटा पूरा बैकअप दे रहा है। तो यहाँ पे मतलब जैगुआर जो है काफ़ी सारे प्लान्स लेके आने वाले हैं, और ये भी जो गाड़ी है ना ये भी इलेक्ट्रिक बन जाएगा, और इसका मतलब सिंगल चार्ज देने 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक जाएगा ये सी टाइप। इसको और भी एक नया लुक के साथ लॉन्च करेगा जैगुआर। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हो। नेक्स्ट जो इनोवेटिव कार है ये फ्यूचरिस्टिक, देख लीजिए ना भाई क्या कुछ है। ओके दोस्तों, ये जो आप गाड़ी देख रहे हो इसका नाम है मॉर्गन प्लस 4 CXT। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना दो सीट वाला गाड़ी है, एक ऑफ रोडिंग गाड़ी है, एक भौकाल गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ भौकाल गाड़ी है। इसमें जो है 800 हॉर्स पावर का इंजन है और 4x4 है, पूरा ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। आप इसको हाईवे पे चलाओ या फिर जंगल पे चलाओ, कहीं पे भी लिटरली जो आप चला सकते हो। इसको जो है UK की कंपनी जो मॉर्गन स्टैनली है ना, उन लोगों ने इसको डेवलप किया है, और इसकी कीमत जो है 3 से 4 करोड़ रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और डिज़ाइन का तो मैं एकदम फैन बन गया। ऑफ रोड में मैं मतलब थार को पहले नंबर पर रखूंगा, दूसरे नंबर पर इस गाड़ी को मैं ज़रूर रखूंगा अगर मैं इंडिया में इसको यूज़ करूंगा। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताएं। बट यहाँ पे देखो कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 9 इंच का है यहाँ पे, और मतलब ठीक ठाक है। यहाँ पे काफ़ी पावरफुल इंजन है, आप देख सकते हो। मतलब जंगल पे जाओ, कहीं पे मतलब फॉरेस्ट सफारी पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, मतलब भौकाल गाड़ी है, भौकाल और बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 जन यहाँ पे बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। तो ये इसका मतलब बोलूँगा कि खासियत भी है और मतलब डिसएडवांटेज भी है दोनों, आप इसको मान सकते हो। इंडिया में एटलीस्ट 4 लोग होता तो और भी मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी मतलब फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया, मतलब काफ़ी प्रीमियम कार है। क्या ख्याल है कॉमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों। नेक्स्ट जो भौकाल गाड़ी है एक बार देख लीजिए, फ्यूचरिस्टिक है भाई, देख लीजिए क्या कुछ है। ओके दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है
रैम्स मोबिल RMX2। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दिख रहा है ना कि फ्यूचर से आया है गाड़ी, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, और ये भौकाल गाड़ी है, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। ये जो है पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों वर्जन में आता है। पेट्रोल में ये जो है 750 हॉर्स पावर के साथ आता है, डीजल में 550 हॉर्स पावर में, और इलेक्ट्रिक में इसका हॉर्स पावर आप बोल सकते हो कि 500 से 600 के बीच में। तो इस तरीके से ये इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है। इसमें जो है एक हुक सिस्टम दिया गया, इस तरीके से इसका मतलब स्टीयरिंग व्हील देखो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप वीडियो गेम में बैठे हो या फिर किसी स्पेस के मतलब रॉकेट वगैरह में बैठो। ये इतना पावरफुल है कि क्या बोलो। इसमें 6 सिलेंडर 5 सिलेंडर के फीचर के साथ भी आता है और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी आता है। लाइक अभी जो दुनिया में सारे गाड़ी जो इलेक्ट्रिक बन रहा है, तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फीचर के साथ आता है। ये 4x4 है, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के लिए बनाया गया है इसको। आप इस तरीके से देख सकते हो, मतलब कहीं से भी जा सकते हो, किसी भी टेरेन से गुजर सकते हो। क्यों गुजर सकते हो वो भी मैं दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि देखो इस गाड़ी में एक ऐसा फीचर दिया गया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। पहिए तो है ही, मतलब ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के लिए। यहाँ पे देखो नीचे एक टैंक मैकेनिज्म है, मतलब टैंक जो है ना किसी भी ज़मीन पे चल जाता है, तो ये वहाँ पे नीचे एक मैकेनिज्म उतर आता है। इस तरीके से देखो आप किसी भी ज़मीन पे कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। इसका इंटीरियर जो है क्लासिक है, ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नहीं बोलूँगा, लेकिन गाड़ी बाहर से भाई बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है, टाइटेनियम की बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे, और सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और इस तरीके की हॉट लड़की अगर बैठ जाए ना गाड़ी, तो और भी ज़्यादा हॉट हो जाता है ना। मतलब इसका बेसिक प्राइस जो है, मतलब बेसिक वेरिएंट का प्राइस ही 1 मिलियन है। 1 मिलियन कितना होता है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। तो मतलब प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट यहाँ पे ठीक ठाक है। यहाँ पे नीचे टैंक मैकेनिज्म इसका, मतलब फ्यूचरिस्टिक मैकेनिज्म है। क्या ख्याल है कमेंट करके बताओ दोस्तों। नेक्स्ट जो भौकाल गाड़ी है फ्यूचरिस्टिक, देख लीजिए ना दोस्तों एक बार क्या कुछ है। ओके दोस्तों, ये जो आप गाड़ी देखो इसका नाम है रिज़वान एवेंजर्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो जो है मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ, मिलिट्री के जैसा दिखने वाला ही गाड़ी SUV जो है नॉर्मल पब्लिक लोगों के लिए आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा SUV आप इसको बोल सकते हो। इसको अमेरिका में बनाया गया है, USA में बनाया गया है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि पूरा एक गेम से जो है गाड़ी बाहर के बाहर मतलब रियल वर्ल्ड में चल रहा है, तो यार दोस्तों ये जो है एकदम सही है। यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया गया अंदर। आप यहाँ पे देखो, मतलब लुक्स देखो, 4x4 ऑफ रोडिंग है, तो काफ़ी पावरफुल जो है, 900 हॉर्स पावर का इंजन है। यहाँ पे इसका टायर जो है 35 इंच का है, भाई तबाही वाली यहाँ पे टायर दिया गया है, और ऑफ रोड के लिए 4x4 तो है। यहाँ पे इसका अंदर का कॉकपिट भी पूरा फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा लगता है कि पूरा आप गेमिंग सेटअप में बैठे हो। और ये गाड़ी एक बार में 8 जन लोगों को जो है बैठा सकता है यहाँ पे, हालांकि इंडिया में जो है यहाँ पे 10-12 लोग आराम से घुस जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें ऑटो पायलट, ऑटो ब्रेकिंग, सारा सब कुछ फीचर दिया गया है। इसमें जो है चारों ओर HD कैमरा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जियो सिनेमा, हॉटस्टार, डिज्नी का सब कुछ जो है लुत्फ उठा सकते हो। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, अगर कोई मतलब ड्राइवर सो जाता है या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव कर लेता है तब ये ऑटोमेटिक जो है खुद ब खुद कंट्रोल कर लेता है। इस तरीके का फ्यूचरिस्टिक है, और AR का भी इसमें भरपूर यूज़ किया गया है, और ये गेम से इंस्पायर होकर इस डिज़ाइन को बनाया गया है। नॉर्मल लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो तबाही वाली गाड़ी है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको और शेयर करो कार लवर्स के साथ दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो फॉलो करो, शेयर करो, दबा के इंडिया को भी इस तरीके का कार की ज़रूरत है दोस्तों।